हम लोग ने भुट्टा भी खा लिया नहीं दिख रहा होगा। मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू अर्पित सौरव व्लॉग्स। और मैं उठ गया था, बहुत पहले उठ गया बच्चा एक्चुअली। अभी फिलहाल कुछ 10 बज रहा होगा सुबह के, और अर्पित अपनी फैमिली को लेके हॉस्पिटल गया हुआ है क्योंकि आज कुछ मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला था। कल ही होने वाला था लेकिन डॉक्टर नहीं आया था कल, लेकिन तो आज स्टार्ट होगा। और वैसे मैं फ़िलहाल तो कपड़े धो रहा था और क्या बताऊँ, सामने से एक भाई ने बोला इस चीज़ का व्लॉग बना करके, तो फिर लेट मी शो यू दैट आई वाज क्लीनिंग माय क्लोथ्स इन दिस वॉशिंग मशीन बाय हैंड। पानी काला हो चुका है तो ये मत समझना कि ज़्यादा ख़राब हो गया, एक्चुअली वो हो ही जाता है। इसमें पता नहीं, मैं नॉर्मली एक दिन के कपड़े भी धोता हूँ तो भी काला हो ही जाता है। फिलहाल तो सोचता हूँ क्या करना है। पहले तो गाड़ी लेने के लिए जाना है अर्पित के घर पे, बाइक लेने के लिए, क्योंकि वो फोर व्हीलर में गया हुआ है। तो पहले मैं रेडी खुद हो जाऊँ, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं तैयार हो गया था और अभी मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे छोड़ने चल रही है अर्पित के यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ कि एक्चुअली छोड़ने क्या हुआ, मैं बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बाइक चाहिए अर्पित की, तो उसके लिए चलते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। इतनी सारी चॉकलेट मैं अकेले खाने वाला हूँ गाइस, मजा आएगा। ठीक से चलाना, मेरे को गिरा ना मत। तो गिरा ही दूंगी, यहाँ का रोड बहुत मस्त है ना। हाँ वो पता है कितना अच्छा है, वो पूरा मिट्टी वाला। देख देख, चाबी डालना तो आता नहीं अंदर, गाड़ी चलाएगी क्या? गुंडी बनेगी रे तू। बोला किसने कि चाबी मैंने सही से नहीं डाली। ठीक से चलाना, अभी भी बता रहा हूँ गिराना मत। बैठ, चालू तो कर, तू लेडी है। चालू कर, तू चालू कर। सिर्फ चालू करने बोला था। चल बाय बाय। चल तू भी चल। तू नहीं आ रहा? नहीं। ओए तो खा लिया? नहीं खाया तो कब खाएगी? बाद में। तो गाड़ी मिल गई है, चलते। निकाल बोला, निकल रहा है। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो मैं अभी घर पे आ गया था और मैं अभी अपनी बहन और जीजू के साथ जा रहा हूँ बाहर शूट करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम गए थे तब पूरा नहीं हो पाया, रात हो गई थी तो फ़ोटो क्लियर्स नहीं आए हैं। तो अभी एक और बार जाके ट्राई करते हैं, चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, सूट चालू भी हो गया और हम लोग ने भुट्टा भी खा लिया। नहीं दिख रहा। सूट के नाम पे भुट्टा खा रहे थे। फोटो तो एक ही सिर्फ अच्छा आया, वीडियो तो कुछ बनाई नहीं। अभी देखते हैं क्या शूट करते हैं। यहाँ पे गर्ल्स टॉक चल रही है, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। ये देखो, ये प्रोफेशनल सूट चल रहा है, दिखा तो। लुक दिस, ए चला गया। वैसे सूरज को बीच में रखने वाला आता है ना, वो वाला था। तो अभी सूट खत्म हो चुका है और हम लोग वापस जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खाली ऐसा लग रहा है। वड़ा पाव, स्प्राइट, बुढ़ी के बाल। स्प्राइट खा ली आपने? हाँ मतलब स्प्राइट पी ली, सॉरी। मेरे मुंह से ही निकल गई। हिंदी बोल, हिंदी। बुड्ढी के बाल में खाने जैसा था ही क्या? बुड्ढी का बाल था खाने के लिए। पेट भर जाता है क्या उसमें? नहीं लेकिन मन मन भी नहीं भरता वैसे। बात तो सही है,
कोई नहीं, चलते घर पे। तो मैं अभी अर्पित की गाड़ी देने के लिए गया था और वो मुझे यहाँ पे छोड़ के गया। एक्चुअली सच बताऊँ तो आंटी की हालत, मतलब अभी तबीयत सही है, इतनी भी ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी है कंडीशन पहले से। और अभी तो क्या है कि हम लोग जहाँ 55 किलोमीटर जो फार था, मतलब दूर था, वहाँ से हम लोग नहीं, उन्होंने भेज दिया है वहाँ से। यहाँ पे नज़दीक में कस्तूरबा हॉस्पिटल करके, उसमें आए हैं, मतलब यहाँ पे अभी एडमिट किया है, ताकि क्या है कि वहाँ पे बहुत दूर पड़ रहा था तो, और ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट था नहीं, रेगुलर ट्रीटमेंट ही था, तो फिर यहाँ पे ही वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं घर पे, थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करता हूँ। सो गाइस, मैं अभी घर पे आ गया था और फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है, और मुझे अपना ये व्लॉग भी एडिट करना है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और जैसे हर बार बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा सपोर्ट कर दो तो बस कर दो। चलो भाई, गुड नाइट।